डिटेक्टिव को वहाँ बच्ची का भालू मिलता है और उसे पता चला कि वो छोटा कैमरा ही दरअसल ये भालू है, यानी है तो ये कैमरा, बस इसे भालू की शक्ल दी हुई है जो बच्चे पर नजर रखता है। उसमें से सीडी निकाल कर डिटेक्टिव वीडियो देखने लगा और उसे पता चला कि इस बच्चे की मोम नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन एली उस पर जुल्म करती थी, उसे चोट पहुंचाती थी। हर दिन अलग अलग तरीके से वो अपनी बहन को जख्मी करती थी। ऐसा करने से उसे बहुत मजा आता था, लेकिन एक दिन उनकी मोम ने देख लिया कि एली अपनी छोटी बहन का हाथ काट रही है। एली की इस हरकत पर उसकी मोम को काफी गुस्सा आया, उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया। छोटी बेटी को वह हॉस्पिटल ले गई। इसी दौरान एली को दमे का अटैक हुआ, वो अपनी मोम को कॉल करने लगी पर इसी दौरान ही उसकी मौत हो गई। डिटेक्टिव के साथ ये वीडियो एली की छोटी बहन यानी वो बच्ची भी देख रही थी। वो बच्ची से पूछता है कि तुम्हारी बहन तुम पर जुल्म किया करती थी, इस बारे में तुमने अपनी मोम को क्यों नहीं बताया। बच्ची बोली, मुझे जख्मी करने के बाद मेरी बहन मुझे एक कैंडी दिया करती थी, इसलिए मैंने ये बात मोम से छुपाई। उधर बेथ जब घर में अकेली थी तो उसके पास एली की आत्मा आती है जिसे बेथ नहीं देख पाती।